थाना आम्बेडकर नगर का मोस्ट वांटेड घोषित बीसी नरेंद्र उर्फ रवि गंगवाल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने नरेंद्र उर्फ रवि गंगवाल पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक 33 साल के नरेंद्र उर्फ रवि गंगवाल पर 2018 में मकोका लगाया गया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था और वांटेड बदमाशों की सूची में शामिल था। मोस्ट वांटेड नरेंद्र उर्फ रवि गंगवाल को पकड़ने के लिए स्पेशल सेल लोधी कॉलोनी, ललित मोहन नेगी एसीपी स्पेशल सेल और हृदय भूषण एसीपी स्पेशल प्रकोष्ठ के नेतृत्व में इंस्पेक्टर प्रमोद चौहान व इंस्पेक्टर राहुल कुमार की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया। स्पेशल सेल ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए रवि गंगवाल पिछले कुछ वर्षों से लगातार नोएडा में अपनी जगह बदल रहा था। दिल्ली पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि नरेंद्र उर्फ रवि गंगवाल सेक्टर 120 नोएडा की एक सोसाइटी में रह रहा है। स्पेशल सेल ने छापेमारी की तो पता चला कि रवि गंगवाल कुछ दिन पहले ही सोसाइटी छोड़कर भाग चुका था। इसके बाद स्पेशल सेल को जानकारी मिली कि रवि गंगवाल नोएडा सेक्टर 128 यूपी की दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो गया है। स्पेशल सेल ने मुखबिरों के माध्यम से उस सोसाइटी में रवि गंगवाल का पता लगाया गया तो पता चला कि वो अपनी पत्नी के साथ करीब 20 दिन पहले ही फ्लैट से भाग चुका है। हालांकि स्पेशल सेल को सोसाइटी में पूछताछ के दौरान पता चला कि वो दिल्ली नंबर की ब्लू कलर की बलेनो कार का इस्तेमाल कर रहा था। बलेनो कार का पता लगाने के लिए और प्रयास किए गए, पता चला कि जयपुर के पास राजस्थान ट्रैफिक पुलिस ने बलेनो कार का चालान किया था। यह भी पता चला है कि रवि गंगवाल पत्नी गर्भवती है और उसका अंतिम महीना चल रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया है कि मिली खुफिया जानकारी अनुसार मई 2021 में उन्हें सूचना मिली थी कि नरेंद्र उर्फ गंगवाल की पत्नी ने अप्रैल 2021 में एक बच्चे को जन्म दिया है। जयपुर, फरीदाबाद और दिल्ली में बच्चे के जन्म के संबंध में नगरपालिका के रिकॉर्ड की जांच की गई और यह पाया गया कि नरेंद्र उर्फ गंगवाल पत्नी ने वैशाली स्थित एक अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है। टीम ने इलाके में काफी तलाशी ली और आखिरकार रवि गंगवाल की बलेनो कार उस इलाके में मिल गई। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने एक जाल बिछाया और 8 जून को उसे चित्रकूट कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर से उस समय पकड़ लिया जब वह पास के बाजार में कुछ घरेलू सामान खरीदने आया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नरेंद्र उर्फ रवि गंगवाल को एफआईआर नंबर 187/2020-25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, नरेंद्र उर्फ रवि गंगवाल के आपराधिक के इतिहास के साथ हम अपना अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। नरेंद्र उर्फ रवि गंगवाल के इस वीडियो में हमारी न्यूज टीम ने बहुत मेहनत की है। नरेंद्र उर्फ रवि गंगवाल के अगले वीडियो को देखना न भूले, जो कि आपके सामने आज शाम या कल सुबह तक आ जाएगा। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।